भाई मैं आज बहुत ही जल्दी उठ गया हूँ सुबह, अभी सुबह के 7 बजे हैं, और अचानक से मुझे याद आता है, और आज से हमारे सेकंड सेमेस्टर शुरू होने जा रहे हैं, और भाई मैं भी हाथ मुंह धोकर बैठ जाता हूँ पढ़ने, और लगातार 2 घंटे तक पढ़ता हूँ जितना मैं पढ़ सकता था। मैंने जो पढ़ाई उससे बाहर आ गया था फिर तो गया, बाय बाय टाटा। 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं भी नहा धोकर के हो जाता हूँ तैयार, क्योंकि पेपर भी लिखने जाना है। रबड़ पेन और कलर पेंसिल लेके मैं भी निकल जाता हूँ अपने रूम से। नॉर्मल डे हो या पेपर, चाय हमारे लिए सबसे जरूरी होती है। चाय का सेवन करके हम पहुंच गए फाइनली कॉलेज में। ऊपर से काफी शोर आ रहा है, लगता है चाय के चक्कर में लेट हो गए आज। काफी सीढ़ियां चढ़ने के बाद मैं और मेरा दोस्त पहुंच जाते हैं चौथी मंजिल पे, जहाँ पे हमारा एग्जाम सेंटर है, आई मीन एग्जामिनेशन हॉल है हमारा, और हम यहाँ बेखूबी से हमारे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हैं। मेरा दोस्त काफी नजर आ रहा है, लगता है मिशन सक्सेसफुल हो गया इसका, समझ रहे हो। आदित्य भाई के हाव भाव से पता चल रहा है क्या हुआ होगा इनके साथ। ओ भाई इन तीनों के बीच में अलग ही बेस्ट चल रही है पेपर को लेकर। भाई फिर मेरे को पता चलता है तो बेस्ट बस कुछ नहीं है, ये तो बस रात को लेके गए 2 पेपर वेस्ट हो गए उसका गम है। भाई मैं तो इस बात से खुश रहता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं जिनके साथ घटना गंभीर घटी है, और ये 2 भाई तो ऐसे हैं जो MBBS एग्जाम की कोचिंग्स का साथ नहीं छोड़ रहे। बट ज्यादा कुछ तो इस बात की है कि पहला पेपर खत्म हो गया, इस बात की नहीं कि पहला पेपर कैसा गया। मेरा रिएक्शन तो आप देख ही सकते हो। देख मैंने पढ़ा था ड्यूडेनम स्टोमा के लिए, इनमें से तो कुछ नहीं आया।